ओम शांति। आज 15 जुलाई में सबसे मुख्य बात जो बाबा ने कही, हालांकि पूरी मुरली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो वरदान है उस वरदान को कहीं कॉपी पेस्ट कर लेने में और भी ज़्यादा ज्ञान को गहराई से समझने में हम बच्चों को सहायता मिलेगी। क्योंकि बाबा ने आज क्या कहा कि दिल तख्त नशीन भव। हर दिन की मुरली याद के ऊपर अटेंशन डालती है कि बाबा को याद करना है। आज भी बाबा ने कहा ना, मोह से बिल्कुल दूर रहो, मतलब कि कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए हर प्रकार के जो अट्रैक्शंस हैं, चाहे वो किसी भी मटेरियलिस्टिक आइटम का हो, चाहे किसी भी व्यक्ति संबंध मात्र का हो, जैसे कईयों का डिजिटल वर्ल्ड से भी बहुत लगाव होता है ना, टीवी, गैजेट्स, मोबाइल फोन, सीरियल, मूवीज, है ना, तो हर तरीके का बंधन, चाहे वो भोजन का बंधन हो, है ना, चाहे संबंधों का हो, चाहे ये डिजिटल वर्ल्ड का हो, हर तरीके के बंधन से जब आत्मा मुक्त है, कोई भी चीज़ पर जब आत्मा आश्रित नहीं है, अगर वो चाह रही है कि वो काम छोड़कर अभी मैं मुरली मंथन कर लूँ, या लौकिक में पढ़ाई है तो पढ़ाई अच्छे से कर लूँ, अच्छे मार्क्स ले आऊँ, है ना, कोई भी चीज़ जो आपको बंधन बाधा नहीं बन रही है उन चीज़ों में जो आप करना चाहते हो, चाहे वो बाबा की याद ही क्यों ना हो, है ना, कि बाबा को याद करने बैठे हैं और कल का कोई कार्य याद आ रहा है, काम याद आ रहा है, उस समय वर्क कॉन्शियस हो गए, बाबा कॉन्शियस की जगह, है ना, या शरीर में कोई रोग है तो वो रोग परेशान कर रहा है, बंधन बन रहा है, बाबा को याद करना सबसे श्रेष्ठ कर्म है ना, उसमें बाधा बन रहा है, या किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, टकराव हुआ, वो याद आ रहा है, वही पूरा सीन आंखों के सामने रिपीट हो रहा है, या किसी से बहुत ज़्यादा गहरा लगाव है तो उसी व्यक्ति से जुड़ी यादें सामने आ रही हैं, या कोई नया नया कपड़ा खरीदा है, उस कपड़े से कनेक्शन है, योग है तो कपड़ा याद आ रहा है, या आम का सीज़न है, आम याद आ रहा है ना, या कुछ ऑर्डर किया है वो आने वाला है वो याद आ रहा है, कई प्रकार के बंधन हो सकते हैं ना। तो बाबा ने क्या कहा आज कि बाप दादा का दिल तख्त वो इतना प्योर है, पवित्र है ना, बाबा क्या है, पवित्रता का सागर है, अगर उस सागर में समाना है तो ये अनेक प्रकार के जो बंधन हमारे सामने आते हैं इनसे हटना पड़ेगा और प्योर पहले बनना पड़ेगा। कई सोचते हैं हम बाबा को याद करेंगे प्योर बन जाएंगे, बाबा पवित्रता का सागर है, वो पवित्र हमें बना देगा, अर्थात हमारे पूर्व जो हमने पास्ट में पूर्व में विकर्म किए हैं उनको पूरी तरीके से खत्म करने की शक्ति बाबा रखते हैं, संपूर्ण शक्ति सर्वशक्तिमान के पास है। लेकिन बाबा का दिल तख्त ही इतना प्योर है कि वहां जाने के लिए पहले आत्मा को इस ज्ञान के आधार से, समझ के आधार से सब कुछ एक ढक से छोड़ना पड़ेगा, अर्थात ये समझ लेना पड़ेगा कि लाइफ में एक एम ऑब्जेक्ट मिला है संपूर्ण निर्विकारी बनने का, मतलब 100% निर्विकारी, जिसमें ईर्ष्या, लोभ, मोह, ये तो पांच हैं ही, इन पांच के जो बाल बच्चे हैं, काम का बाल बच्चा क्या है, आलस्य, अलबेलापन, क्रोध में हो गया आपका डोमिनेटिंग जो नेचर होता है, रौब जमाना, रिवेंजफुल बिहेवियर, बदला लेने की भावना, है ना, सिनिसिज्म कहते हैं इंग्लिश में, सिनिसिज्म एंड हॉस्टिलिटी। सिनिसिज्म क्या हो गया, सिनिसिज्म मतलब दोष निकालते रहना चीजों में, उसी तरह लोभ का हो गया शक और अनुमान करना, है ना, नाम मान शान का लोभ है, दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, आपके जाते ही चुप हो गए तो अचानक शक आएगा कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मोह है तो भय चिंता रहेगी, है ना, ईगो है, अगर अहंकार है तो क्या रहेगा, ईर्ष्या रहेगा, बहुत ईर्ष्या आएगी, वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, अभिमान है ना कि मैं सबसे आगे रहूं, तो अभिमान में ईर्ष्या आएगी, जल्दबाजी रहेगी, तो इनसे भी ऊपर उठना है तो उसके लिए बाबा को याद करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो पुराने जो संस्कार हैं जो कुछ नहीं विकर्म, बाबा कहते हैं ना आज की डेट में हर किसी का कर्म विकर्म है, तो वो विकर्म विनाश नहीं हो पाएगा बिना बाबा की याद के, तो संपूर्ण पावर जो बाबा कहते हैं ना, संपूर्ण पावरफुल, संपूर्ण पवित्रता वो नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अगर संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा आती है तो वो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में चले जाते हैं,
तो सबसे पहला व्रत क्या लेना है ईश्वर के नाम पे? शुद्ध संकल्पों का। वृत्ति परिवर्तन का कार्य बाबा करा रहे हैं, एटीट्यूड में परिवर्तन लाना है, तभी भविष्य जीवन रूपी सृष्टि, ये लाइन अंडरलाइन करने वाली बात थी कि भविष्य जीवन रूपी सृष्टि, कौन सी सृष्टि? जीवन रूपी सृष्टि। कहते ना कि मेरी दुनिया तो आप ही हो, यही मेरी दुनिया है, कहते ना यही मेरा सृष्टि है, यही मेरा सब कुछ है। तो ये जो जीवन रूपी सृष्टि है ये बदल जाएगी। बहुत गुह्य बात थी बाबा की ये। वृत्ति परिवर्तन से फिर भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। और ये शुद्ध संकल्प या दृढ़ संकल्प ही ये प्रत्यक्ष फल के रूप में हमेशा के लिए बाबा के दिल तख्त पे हमें बिठा देगा। ओम शांति।